चलिए आज हम क्लास टू का सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे जागो प्यारे। जो पहला हमारा चैप्टर है इसमें क्या है, पोयम, जिसको कि लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने। चलिए हम पढ़ते हैं। उठो लाल अब आंखें खोलो, सूरज निकला है मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नम्मे न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, भोर हुई सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय नको मेरे प्यारे अम्मसो। चलिए हम एक बार और पढ़ेंगे इस कविता को, ध्यान से सुनेंगे। उठो लाल अब आंखें खोलो, सूरज निकला है मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नम्मे न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, भोर हुई सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय नखो मेरे प्यारे अम्मसो। इस कविता का अर्थ है कि एक माँ अपने बेटे को सुबह जगा रही है नींद से। वो कह रही हैं कि उठो लाल, यानी कि लाल मीन्स है बेटा, कह रही है कि बेटा अब उठ जाओ, आंखें खोलो, सूरज निकल आया है, तुम अपने मुंह हाथ धो लो, और कमल की जो पंखुड़ियां हैं वो भी खिल उठी हैं, और उनके ऊपर क्या मंडरा रहे हैं, भौरे। भौरे तो आप देखे होंगे बेटा, काले काले बड़े बड़े होते हैं, जो कि अक्सर सुबह के समय में देखिएगा कि फूलों पे मंडराते रहते हैं। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, और चिड़िया जो है पेड़ों पर चहक रही है, उन्हें आवाज़ कर रही हैं, और बहने लगी हवा अति सुंदर, और हवाएं भी खूब अच्छी बह रही हैं, नम्मे न्यारी लाली छाई। नम मीन्स होता है आकाश, जिसमें कि हल्की हल्की लाली छा गई है, और धरती ने प्यारी छवि पाई, और धरती ने भी प्यारी छवि पाई, यानी कि छवि मीन्स होता है सुंदरता। जब सूरज निकल आया है उसमें लाली छा गई है धरती पे, तो धरती की सुंदरता भी बढ़ गई है। भोर हो चुका है, भोर मीन्स होता है सुबह, और सूरज उग आया है, जल में उसकी सुनहरी छाया पड़ रही है, सुनहरी, सुनहरी मीन्स होता है सुंदर, उसकी छाया पड़ रही है, ऐसा सुंदर समय नखो, ये बोल रही है माँ अपने बच्चे से, बोल रही है कि ये जो सुंदर समय है इसको तुम मत खोना, मत खो मेरे प्यारे अम्मसो, अब तुम ये समय मत खो, और मेरे प्यारे यानी मेरे बेटे अब तुम उठ जाओ। ये था इसका अर्थ। चलिए, इसके लेखक मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। चलिए अब हम शब्दार्थ देखते हैं। लाल, लाल मीन्स होता है बेटा, कमल दल, कमल की पंखुड़ियाँ, चहक यानी चिड़ियों की आवाज़, नव आकाश, छवि सुंदरता, भोर सुबह या सवेरा, छाया परछाई। अब हम इसके लिखित प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न वन, चिड़िया कहाँ चहक रही है? चिड़िया पेड़ों पर चहक रही है। माँ बेटे से जल्दी उठने को क्यों कह रही है? माँ बेटे से जल्दी उठने को इसलिए बोल रही है क्योंकि सूरज निकल आया है, जल में उसकी सुंदर छाया दिख रही है, और चिड़िया पेड़ों पे चहक रही है, इसलिए माँ बेटे को जल्दी उठने को कह रही है। नभ में क्या छाई है? नभ में न्यारी लाली छाई है। सूरज कब निकलता है? सूरज सुबह निकलता है। इस कविता के कवि कौन है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। एक बार और मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ कि चिड़िया कहाँ चहक रही है? चिड़िया पेड़ों पे चहक रही है। माँ बेटे से जल्दी उठने को क्यों कह रही है? माँ बेटे से जल्दी उठने को इसलिए बोल रही है क्योंकि सूरज निकल आया है, जल में उसकी सुंदर छाया दिख रही है, और चिड़िया पेड़ों पे चहक रही है। नभ में क्या छाई है? नभ में न्यारी लाली छाई है। सूरज कब निकलता है? सूरज सुबह निकलता है। इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत हैं। चलिए पीछे पलटते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें कि एक करेक्ट है, उसमें हमें टिक लगाना है और फिलअप करना है। जैसे फर्स्ट है आपका बीती रात डेज फूलें, तो क्या होगा? बीती रात कमल दल
फूले। भोर हुई देश उग आया, कौन उगाया? सूरज। तो किसमें हमें टिक करना है? क नंबर सूरज। जल में पड़ी सुनहरी छाया, ख नंबर छाया में करेंगे टिक। इसी तरह से है रिक्त स्थानों को भरो। यहाँ पे पोयम जो दी हुई है इसी पोयम का दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग? चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभे न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। चलिए मैं एक बार और आपको इसे रिपीट कर देती हूँ। रिक्त स्थानों को भरें। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, यानी यहाँ पे क्या आएगा? चिड़िया चहक, बहने लगी, यहाँ क्या लिखेंगे? हवा अति सुंदर, नम्मे न्यारी लाली छाई, क्या लिखेंगे हम? न्यारी लाली छाई। धरती ने प्यारी छवि पाई, क्या लिखेंगे? प्यारी छवि पाई। अब ये आपका सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाएं। जैसे कमल दल पर भौरे झूले, सही। पेड़ों पर तितलियां चहक उठी, गलत। नभ में न्यारी लाली छाई, सही। जल में काली छाया पड़ गई, गलत। यानी कि सही जो मैंने कहा उसके पे आप लगाएंगे टिक का निशान, सही ऐसे राइट, और जो मैंने गलत कहा उसमें आप रॉन्ग का चिन्ह लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ है ई की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाओ। जैसे न्यारा न्यारी, प्यारा प्यारी, सुनहरा सुनहरी, बीता बीती। बस यहाँ पे लास्ट में हमें क्या कर देना है? यहाँ पे मात्रा लगा देना है, यानी कि न्यारी। सही तुक वाले शब्द मिला है, जैसे फूले झूले, आया छाया, न्यारी प्यारी, सो खो। ये क्या था बेटा? हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा ये कंप्लीट हो गया। आपका होमवर्क में है कि आप ये जो पोयम है इसको आप लर्न करें, और क्वेश्चन आंसर जहाँ तक संभव हो मैंने बताया आप उसको देख करके बनाएं, शब्दार्थ लिखें, शब्दार्थ को भी लर्न करना है, और आपका सही उत्तर वाले शब्द का निशान ये भी आप कॉपी में बनाएंगे, रिक्त स्थान भरेंगे जो कि यहाँ दिया हुआ है, हेल्प ले सकते हैं पोयम की भी आप, कविता की, सही उत्तर का निशान लगाएं, और ये छोटी की मात्रा वाले बड़ी की मात्रा लगा कर शब्द पूरा करें, और सही तुक वाले मिलान करें। ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्लास 2 का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर। जागो प्यारे।